केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए उपमंडल नंगल के गांव मेघपुर में विकसित भारत संकल्प योजना के तहत एक शिविर का आयोजन करवाया गया। इंडस्ट्रीज विभाग से आए कुलदीप चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 3 महत्वपूर्ण योजनाओं में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख तक का कर्ज, जबकि सर्विस सेक्टर के 20,000 का कर्ज आसानी से उपलब्ध करवाया जाता है और इस पर 15 से 35% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के लिए भी 35% तक की सब्सिडी पर आसानी से कर्ज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत भी मिट्टी के बर्तन, जूते बनाने वाले के अलावा सैलून व कपड़े सिलने वाले के लिए भी इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपये के कर्ज की व्यवस्था, वह भी बहुत कम ब्याज पर की गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि आज के शिविर के दौरान काफ़ी लोगों को जागरूक किया गया है। संकल्प यात्रा के तहत बैन आई अज इतने मेघपुर पिंड पक्ष में ही कैंप रखा गया है। मैं कुलदीप चंद एक्सटेंशन ऑफिसर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को इतने पहुंचा जी। इतने असी अपन स्कीम बारे जिन्हें बेनीफिशरी असी ऑलरेडी लाभ दे चुके हैं उन्होंने भी तो नवे होर बेनीफिशरी भी लाभ देने असं इतने मतलब प्रयास कर रहे हैं। की लाभ ये सर साढ़े को 3 स्कीम ने। पहली स्कीम है PMEGP स्कीम जिदे तहत मैनुफैक्चरिंग 50 लाख तक का लोन। अज इतने की हो रहा है जी? इतने साढ़े सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बारे दसिया गया तो पिंड के लोग भी आए करते हैं, लाभ भी लिया उन्होंने तो अपना अपना जिदा भी है उन्होंने फार्म भराए। मैडम केड़े केड़े कैंप लगे हैं? चिराग गैस वाले में लगे है, वाटर सप्लाई वाले में लगे है, आधार कार्ड अपडेट हुए अगर नहीं तो अपना बैंक वाले भी आए हुए हैं, काफ़ी है। पिंड वासियों को लगता फायदा हो रहा है जी? हाँ हाँ जी सर, कौन पिंड का क्या तुम्हारा नाम है? बलविंदर कुमार नाज, मेरा मेघपुर पिंड है जी। अब साढ़े सेंटर गवर्नमेंट का एक यात्रा चल के जिद वक्त वक्त तरह दीम जिदा साढ़े पिंड के लोग बहुत लोगों ने लाभ लिया, जिदा कि किसानों की 2000 स्कीम वो भी जिन्होंने लोगों